जनपद जालौन के गोहन थाना क्षेत्र के कुरसेड़ा गांव के आशीष का अपहरण कर हत्या की गई थी, जिसमें दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन दो अपराधी भागने में कामयाब हो गए थे। जिन्हें आज गोहन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गोहन थाना के अंतर्गत अब्दुल्लापुर मार्ग पर बने भैरवनाथ मंदिर के पास 29 जून को समय 8 बजे अवैध असलाह और एक अदद मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें गोहन थाना इंचार्ज राजीव बेस, उप निरीक्षक रामवीर सिंह, कांस्टेबल अक्षय कुमार, पंकज यादव, जसवीर सिंह और आदि लोगों ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पिताजी का क्या नाम? कहाँ के रहने वाले? ये घटना आपने अंजाम दिया है, कैसे अंजाम दिया, क्या कैसे बनाई थी ये योजना, कितने लोग थे इसमें? सर, हम चार लोग थे, सुखावास से की तरफ जा रहे थे। अच्छा, तो ये मोड़ बाइक पे जा रहे थे, साथ वाले लोगों ने कहा ये बाइक लेना सर, मैं गाड़ी चला रहा था, तो मैंने कहा सर ये गिर जाएगा, लग जाएगी इसके, तो मैं सर बराबर पहुंचा तो उसने खिड़की खोल दी, तो बाइक से नीचे गिर गया। अच्छा, फिर गाड़ी खड़ी करके गाड़ी में बैठा लिया, गाड़ी खड़ी करके फिर सर हम बाइक लेके चले गए, उसको भी साथ ले गए। अच्छा, फिर मैंने मने भी किया था कि उसको 500 रुपये दे दो, वो आगरा तक मैं इसे छोड़ दूंगा और बस से ये निकल जाएगा गाजियाबाद, तो उन लड़कों ने सर माना नहीं, साथ वाले लड़के थे उनकी छोड़ दूंगा, जब मैं गाड़ी चला रहा था उन्होंने पीछे सर से फांसी लगा दी। अच्छा, तो फांसी लगा के उसकी हत्या की गई। हाँ जी, एक्चुअली दिनांक 14/6/21 को आशीष सेनगर नाम का एक लड़का था, जिसकी उम्र लगभग 27 वर्ष थी, कुरसेड़ा का रहने वाला था, वो फरीदाबाद जा रहा था अपने जॉब पे और उसका अपहरण फिरोजाबाद में कर लिया गया था। अपहरणकर्ताओं ने 20,000 रुपये की फिरौती की मांग की, जिसको फ़ोनपे के माध्यम से उसके परिवार वालों द्वारा पहुँचाया गया, उन तक भेजा गया। उसके बाद उन अपहरणकर्ताओं द्वारा आशीष की हत्या कर दी गई। आशीष की जो डेड बॉडी है वो हमें 17/6/21 को एटा में प्राप्त हुई और उसके बाद छानबीन की प्रक्रिया में हमें पता चला कि इस पूरे प्रकरण में चार जो हैं मुलजिम हत्यारे जो हैं वो इन्वॉल्व थे, उनमें से दो की गिरफ्तारी पहले कर ली गई थी और दो अन्य की गिरफ्तारी अभी रिसेंटली अब्दुल्लापुर जो है उससे पहले एक शिव भैरव मंदिर है जो कि गोहन थाना क्षेत्र के अंदर आता है, वहाँ से इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। इनके साथ आशीष की बाइक हमें मिली और साथ ही इनके साथ हमें तमंचे, अवैध तमंचे भी मिले। इसकी जानकारी अभी की जा रही है, ऐसी अभी कोई जानकारी नहीं मिली है कि इससे पहले भी इन पे कोई मुकदमे हैं कि नहीं। और दो अभियुक्त जो गिरफ्तार किए गए हैं उनमें एक का नाम है प्रदीप उर्फ भूरा और दूसरे का नाम संदीप यादव उर्फ करुआ है, ये दोनों एटा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। और इसके अलावा इन पे धारा 302 201 आईपीसी के तहत पहले मुकदमा दर्ज कराया गया था और क्योंकि अभी इनके साथ एक जो अपहरणकर्ता अपहरित व्यक्ति था, मृतक की बाइक मिली है, तो इस वजह से जिसको इनके द्वारा लूटा गया था, तो इन पे और भी धाराएं लगाई गई 354, 412 IPC।